नमस्कार दोस्तों, आज मैं अडेनियम जा रही हूँ रिपोर्ट करने। और देखिए, ये वाला जो छोटा सा अडेनियम है, इसको मैंने 8 अप्रैल को ख़रीदा था और आज है जून की 23 तारीख, तो इसको ज़रूरी हो गया है मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि जो अडेनियम होता है इसको बिल्कुल बाहर धूप में रखना होता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। और ये लगा हुआ है कोकोपीट में, ये देखिए कल अभी गिर भी पड़ा था। ये हल्का सा है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस ऐसे धूप, इधर थोड़ा दिखाऊँ आपको, इसमें कोकोपीट ही है और कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे गिर गया, तो मैंने यही सोचा कि अब इसको जल्दी से रिपोर्ट कर दूँ, इसको मिट्टी टी में लगा दूँ, नहीं तो फिर ये फ्लावर्स भी, एक बार इसमें जब ख़रीदा था तब आया था, उसके दोबारा से ये जला हुआ लग रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ कल निकली थी तो उससे ये फ्लावर्स एकदम बर्न हो गया। उसके पहले आपको मैं ये वाला अपने अडेनियम दिखा दूँ, ये मेरा 5 साल पुराना अडेनियम है, इसको मैंने अभी फरवरी में रिपोर्ट किया था और ये एकदम सही चल रहा है, ये देखिए। तो इसको तो फरवरी का जो टाइम होता है वो बहुत सही होता है, और ये वाले सब जो अडेनियम है इनको अक्टूबर अक्टूबर में किया था, और अभी ये देखिए ये वाला कितनी छोटी सी प्लेट में लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, बहुत ही छोटी सी प्लेट है, करीब 2 इंच से ज़्यादा की प्लेट भी नहीं होगी, बहुत कम मिट्टी है, तो एकदम इसको नहीं करूँगी अभी। तो इस समय जैसे अगर कोई वजह है आपका, किसी प्लांट में अडेनियम में फंगस वंगस कुछ ऐसा लग रही है, तो ही आप अडेनियम को रिपोर्ट करिएगा, नहीं तो अडेनियम को इस समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा। मानसून में, बरसात के मौसम में, हम बाकी ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, परमानेंट प्लांट्स होते हैं, इनकी तो हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अडेनियम या सकुलेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये वैसे भी परेशान रहते हैं, एकदम पानी तो बिल्कुल ही नहीं पसंद होता है। तो चलिए बस फटाफट से आपको बहुत ही सिंपल साधारण तरीका बताऊंगी, और ये देखिए बहुत फ्लावर्स खिलने हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्लावर्स, 2-4 फ्लावर्स मैं आपको दिखा दूँ, बहुत बहुत खिल रहे हैं, ये देखिए सारे स्टॉक्स एकदम तैयार हैं बिल्कुल ब्लूम होने के लिए, रजनीगंधा के। और ये भी मेरा लग गया है टिकोमा, खूब फ्लावरिंग हो रही है, ये तो पुराना फूल है, ये देखिए बहुत फ्लावरिंग हो रही है। चलिए बस, नहीं तो बहुत फिर लंबा होता जाएगा वीडियो। देखिए अडेनियम के लिए बहुत ही ज़्यादा गहरे पॉट की, डेप्थ वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा जो है कि शैलो वाला ही होता है वो ज़्यादा चलता है। मेरे पास है नहीं तो मैं इसमें ही लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ये चल जाएगा, फिर बाद में कभी इसको फिर से रिपोर्ट करूँ, मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है। तो चलिए इसके होल्स के ऊपर थोड़ा सा हम इसको, मैं रख रही हूँ और एक दो एक्स्ट्रा इधर रख दे रही हूँ। कोयले के टुकड़े हो ना आपके पास तो वो रख दीजिए, मैं देख रही थी, मुझे दिखा नहीं कहीं, तो ये ऐसे रख देंगे तो थोड़ा, पहली बात मिट्टी एकदम ऐसी हो जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए एकदम, जैसे भी बस हम पानी डालें, जैसे सकुलेंट्स की मिट्टी होती है, पानी डाला तुरंत निकल गई, रुक बिल्कुल रुके नहीं, वहाँ पे होल्ड नहीं हो। और ये देखिए, ये इसी गमले को ही मैंने खाली किया था, तो ये मिट्टी है और भी थी, मैंने अलग कर दी है, लेकिन इसके नाप से बता रही हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये दो पार्ट हो गई, मिट्टी हो गई, गार्डन की सॉइल हो गई, और दो पार्ट, ठीक, एक पार्ट मैंने ले लिया है ये खाद है, पुराने ही गमले की मिट्टी है, तो थोड़ा सा इसमें पहले से ऑलरेडी सैंड है, इस तरीके से ये मिट्टी है, बहुत चिकनी मिट्टी नहीं है। ये इतनी हो गई, दो पार्ट ये वाले मिट्टी हो गई, एक पार्ट ये देखिए इस तरीके से खाद हो गई, घर वाली खाद है, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसमें सैंड पहले से मिक्स है, लेकिन नहीं, अभी हम अडेनियम के लिए मिट्टी बना रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कल, ये देखिए जैसे ये वाला बेसिल अभी मरुआ, इसको जब लगाया है तो इसमें केवल मिट्टी और खाद मिक्स किया, ठीक, और कोई भी चीज़ उसमें मैंने मिक्स नहीं की थी, लेकिन अडेनियम में मैं ये वाली जो सैंड होती है, इस टाइप की जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, ये देखिए ऐसे होती है इसका, ये इसमें छोटे छोटे से अगर पेबल्स ऐसे छोटे छोटे वो हो टुकड़े, तो वो भी आप इसमें रहने दीजिए, छोटे छोटे से, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नहीं, तो वो ही देखिए मैंने इतना ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सैंड जो है अभी मैं देख ले रही हूँ, अगर मुझे सैंड कम लगेगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। मैं इसमें अभी एक तो आप समझ लीजिए दो पार्ट मिट्टी हो गई, और दो पार्ट मैं ये ले रही हूँ सैंड कंस्ट्रक्शन वाली,
जिसको हम लोग इधर मोरंग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये इतना मिक्स कर लिया है ऐसे, और इसमें ये देखिए, ये इतना सा ये है नीम के पाउडर, इसको मैं डाल रही हूँ। और ये है सीवीड जाइम, तो सीवीड ये बहुत ही धीरे धीरे से अपना डिज़ोल्व होगा, और इसको अडेनियम को बहुत पसंद भी है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, बस अब इसको भरती हूँ, फिर आप लोगों को लगा बताती हूँ। एक चीज़ मैं और इसमें, ये देखिए, एक चम्मच के आसपास है, 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं है, ये राख है। ये मेरी तो वैसे पूजा वाली आप देख रहे हैं, ये कंडे वाली ही राख है, तो इसको ऐड कर दे रही हूँ। ये भी फंगस नहीं लगने देगा। तो इस तरीके से मैं जो घर में चीज़ें मिल जाती हैं वही सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। आप देखिए, एक चीज़ बताती हूँ, लोग अक्सर क्या करते हैं जब इसको लगाते हैं ना, तो इसके कॉर्डेक्स को इतना अंदर कर देते हैं, बहुत ही अंदर, एकदम अंदर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉर्डेक्स की ब्यूटी भी ख़राब हो जाती है, और वो फिर ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी इस जगह पे। देखिए, एक तो बहुत अंदर तक इसको मत लगाइएगा, नहीं तो कॉर्डेक्स जो है बहुत अंदर चला जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जो रिम है ना पॉट का, उसके मतलब इतना सा छोड़िए, ज़्यादा बहुत गहरा नहीं, यहाँ पे बहुत ऐसे नहीं भर दीजिएगा, इतनी मत छोड़िएगा, ज़्यादा जगह मत छोड़िए। ज़्यादा जगह मैं नहीं छोड़ती हूँ, यही रीज़न होता है कि बरसात के टाइम में मेरे गमले में इसमें पानी नहीं भरेगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं इसका लॉजिक आपको क्या दे रही हूँ। जब यहाँ ज़्यादा जगह ही नहीं बचेगी तो पानी भरेगा ही नहीं बरसात का, जब भरेगा नहीं तो फिर ये रूट रॉट ये सड़ेगा ही नहीं, तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं, एक तो हमने मिट्टी वाली ड्रेन बनाई, दूसरा यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं, भरेगा ही नहीं सब। इस तरीके से बहुत इस मतलब जगह यहाँ मत छोड़िए इसके लिए कि इसमें पानी इकट्ठा हो। अब इसको मैं अभी ऐसे छोड़ गई हूँ, अभी मतलब वहाँ पे अंदर रख दूँगी, क्योंकि बारिश अगर हो गई तो पानी भर जाएगा। अभी मैं पानी इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि देखिए मानसून है, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी, और 2-3 दिन के बाद इसमें पानी दूँगी। अब आपको मैं बताती हूँ, जब ये वाला मैंने रिपोर्ट किया था ना इस वाले को, तो पूरा इसको निकाल करके, और करीब 1 दिन पूरा फरवरी में किया था, तो धूप भी बहुत तेज़ थी, तो उस टाइम निकाल के और फिर धूप दिखा दिया था पूरा अच्छे से, इसके कॉर्टेक्स को पूरा मिट्टी इट्टी से सारा अच्छे से धो करके, सारा साफ़ करके, कोई चीज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया था कि कोई फंजीसाइड या कुछ ऐसा, नॉर्मली बस पानी से धो दिया था और फिर धूप में। तो इस टाइम तो मानसून है, इसलिए मैं उसमें पानी नहीं दे रही हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, और फिर से किसी रिपोर्टिंग के ही वीडियो के साथ, क्योंकि ये मंथ जो है रिपोर्टिंग का ही है, मंथ नहीं दोस्तों, ये सीज़न है, सीज़न रिपोर्टिंग का है, कटिंग का है। तो ठीक है, फिर से मिलती हूँ किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और दोस्तों भैया, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी कर दिया करिए, थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भाई कुछ काम ढंग का कर रहे हैं, है ना, नहीं तो फिर क्या है, छुई मुई है ये तो इसको भी रिपोर्ट करना है भाई, इतने प्लांट रिपोर्ट करने हैं, मैं तो करना है, इसको भी करना ही है, वही है ना, इतनी मिट्टी ढूंढो, फिर गमले ढूंढो, फिर सारा इंतजाम करो, तब जाके भाई।